जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने YouTube फैमिली एग्रो स्टडीज में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कीटों के जो वच्च पाए जाते हैं, यानी कि BSc एग्रीकल्चर सेकेंड सेमेस्टर इंटोमोलॉजी, ठीक है, पार्ट वन, यानी कि हमारा इंटोमोलॉजी फर्स्ट के बारे में बात करेंगे। ये हमारा जो लेक्चर है, पाँचवा लेक्चर है। आप लोगों को मैं बता दूँ कि जितने भी लेक्चर है मैं सबसे पहले प्रोवाइड कर चुका हूँ, और जो जिन बच्चों ने नहीं देखा है जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और जितने भी इंपॉर्टेंट होते हैं सबके बारे में बता चुका हूँ, ठीक है। तो वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं, और नोट्स भी मैंने बता चुका हूँ कि कहाँ से आप लोग नोट्स प्राप्त कर पाएंगे, ठीक है। तो वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो इसमें दिया गया वच्च, तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि जो वच्च होता है उसे तीन वर्गों में बांटा गया है। तो पहला आपका वर्ग आता है प्रोटोथोरेस बोलते, जिसे जिसमें क्या होता है कि इसमें फोर लेग, यानी कि आगे वाली जो मतलब टांगे होती है उसमें पाई जाती हैं, और इसमें जो प्रोथोरिक्स होता है इसमें पंखे नहीं पाई जाती है। ध्यान दीजिएगा कि प्रोथोरिक्स में पंखे नहीं पाई जाती है। मेजर थोरिक्स में बात करें तो वो फोर लेग पाया जाता है, फोर विंग भी पाई जाती है, यानी कि अगला पंख और पैर नहीं पाया जाता है, बल्कि बीच वाला पैर पाया जाता है, ठीक है। और इसके बाद हैंड लेग के बारे में बात करें तो हैंड लेग और हैंड विंग, ठीक है, ये हमारा मेटाथोरिक्स में पाया जाता है, यानी कि जो हमारा जो थोरिक्स है इसे तीन वर्गों में बांटा गया है, प्रोथोरिक्स, मेजर थोरिक्स एंड मेटाथोरिक्स, ठीक है। तो ये तीनों मिलाकर हमारा किस क्या निर्माण करते हैं, तो ये हमारा तीनों मिलाकर हमारा थोरिक्स का निर्माण करते हैं, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हमारा आता है कि इसमें जो सपाट वाली जो संरचना पाई जाती है उसे क्या कहते हैं, तो जो सपाट वाली संरचना पाई जाती है उसे हम वर्टिकल कहते हैं, ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आपका आता है हमारा अपेंडिक्स ऑफ थोरिक्स के बारे में बात करें, तो इसमें जो लेग होता है इसमें देखिए कुछ इस प्रकार से होता है, कोक्सा पाया जाता है, ठीक है, फीमर होता है, ठीक है। इसके बाद टीबिया भी पाया जाता है, ठीक है, टार्सस भी पाया जाता है, क्लाव भी पाया जाता है, इसके बाद एरोलियम भी पाया जाता है, ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से। और इसमें ट्रेचनेंटर भी पाया जाता है, ठीक है, थोड़ा मैं साइज कम कर दे रहा हूँ इसका, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, तो कोक्सा के बारे में बात करेंगे, तो यह पतला खंड होता है, यह क्या कौन सा खंड होता है, यह बहुत ही पतला खंड होता है जिसके द्वारा लेग थोरिक्स से जुड़ा रहता है, जिसके द्वारा क्या होता है कि जो थोरिक्स होता है वो लेग से जुड़ा रहता है। इसके बाद ट्रेचनेंटर के बारे में बात करेंगे, तो यह बहुत छोटा होता है, यह बहुत छोटा होता है, दूसरा खंड होता है ये। इसके बाद फीमर के बारे में बात करेंगे, तो यह लंबा तथा सबसे मजबूत होता है। कई कई मतलब कीटों में अलग अलग प्रकार के फीमर पाए जाते हैं, किसी में पतले पाए जाते हैं, किसी में मोटे पाए जाते हैं, किसी के चौड़े पाए जाते हैं, ठीक है, कुछ में घटे बड़े पाए जाते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है टीबिया, तो टीबिया के बारे में बात करेंगे, तो ये आकार में काफ़ी लंबा होता है। इसके बाद टार्सस भी पाए जाते हैं, तो ये सबसे अंतिम खंड होता है, ये सबसे अंतिम खंड होता है, और यह कीटो, ठीक है, यह खंडों में बटा होता है। इसमें जो खंड होते हैं 1 से 5 खंड होते हैं, इसमें जो खंड होते हैं 1 से 5 खंड पाए जाते हैं। एग्जाम्पल दिया इसमें देखा जाए तो इसमें क्लॉव, ठीक है, एरोलियम और फुलविली, ठीक है, इत्यादि। इसके बाद मॉडिफिकेशन ऑफ लेग के बारे में बात करें, ठीक है, यानी कि जो आपके जो पैर होते हैं उसके रूपांतरण देख लेते हैं, तो पैरों के रूपांतरण के बारे में देख लेते हैं, तो चलने वाले, ठीक है, तो चलने वाले में देखिए जो जो होते हैं आमतौर पर जो चलने वाले जो कि जो टांगे पाई जाती हैं वो किस किस में पाई जाती हैं, कॉकरोच में पाए जाते हैं, बग में पाए जाते हैं और टिड्डे में पाई जाती है, ठीक है। इसका चित्र आप लोग बना लीजिएगा, इसमें मोस्टली वेरी इंपॉर्टेंट से एग्जाम में पूछा जाता है, लगातार पूछा जाता है, 100% मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। इसमें आप तौर पर आपके मुखांग और आपके जो पैर होते हैं इसके जो मॉडिफिकेशन है इसमें से एक ना एक प्रश्न ज़रूर पूछा जाएगा, वो भी बड़े लॉन्ग टाइम में भी पूछे जाएंगे और शॉर्ट में भी पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए, नेक्स्ट आपका आता है दौड़ने वाले, तो दौड़ने वाले जैसे एग्जाम्पल दिया चींटी में, ठीक है, कॉकरोच में, टार्सस में भी पाया जाता है। जो टार्सस होता है उसमें लंबा होता है और ज़मीन पर रगड़ कर चलता है जो टार्सस होता है, ठीक है, टार्सस कुछ इस प्रकार से, ये हमारा आखिरी सिरा है, टार्सस बोलते हैं। नेक्स्ट चलता है हमारा अगला, चलते हैं तो पकड़ने तथा चढ़ने वाले, तो ये पकड़ने तथा चढ़ने वाले जो होते हैं इसमें देख लीजिए बालों के जुए, ठीक है, बालों के जुए जो होते हैं, ठीक है, जो बालों के जुए होते हैं, ठीक है, एक मिनट, तो बालों के जो जुए होते हैं, ठीक है, उसमें हेड जो होते हैं वो क्या करते हैं कि पकड़ के रखे होते हैं, क्या करते हैं, पकड़ के रखे हुए होते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक मिनट, जस्ट ए मिनट, हाँ, कुछ लैगिंग हो रही है, प्रॉब्लम मोबाइल की, एक मिनट,
जी हाँ फ्रेंड्स, इसमें देख लीजिए, तो इसमें जो होता है हमारा जो टर्सस होते हैं, ठीक है, वो क्या होता है कि इसके ऊपर जो होता है हमारा एक क्लाव निकला रहता है। इसमें क्या निकला रहता है, एक क्लाव यानी एक नाखून निकला रहता है, जिसके कारण जुए, ठीक है, जो होते हैं बाल को मजबूती से पकड़े रहते हैं, जिससे जो हमारे जुए होते हैं यानी ढीलो जो होते हैं वो बहुत ही मजबूती से पकड़े रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा आता है फूदने या फिर कूदने वाले। तो कूदने वाले जो टांगे होती है, इसमें जो आपका फीमर होता है बहुत ही चौड़ा होता है, इसमें जो टांगे जो टिड्डे झिंगुर में पाए जाते हैं, यानी कि ये जो होते हैं ये टिड्डे और झिंगुर में पाए जाते हैं। फीमर मोटी होती है और टिबिया लंबी होती है, जो टिबिया होती है वो बहुत ही लंबी होती है। नेक्स्ट हम अगला पढ़ते हैं। तो इसमें आपका आवाज़ करने वाले, तो जो आवाज़ करने वाले होते हैं इसमें भी टीबी सॉरी इसमें भी मतलब जो 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 कूदने वाले होते हैं उसी के प्रकार से मतलब फीमर पाया जाता है। और ये क्या करते हैं कि रगड़ कर चलते हैं, इसलिए घुन घुन की आवाज़ आती है, तो इसीलिए कहते हैं आवाज़ करने वाले टांगे। ठीक है, इसके बाद खोदने वाले टांगे। तो खोदने वाले टांगों के बारे में बात करें तो इसमें जो कोक्सा होता है कुछ इस प्रकार से होता है, फीमर जो और टीबिया और टास जो हमारा फीमर और टीबिया होता है इसमें समान लंबाई के होते हैं, और टार्सस होता है हमारा चार चार यानी दो जोड़ी पाया जाता है। टार्सस हमारा नाखून दो जोड़ी पाया जाता है। जैसे हमारा किरकिची, जो किरकिची होता है यानी कि मोल जो होता है हमारा, जो गाँव पर देखेंगे जो किरकिचिया होती है मिट्टी में होती है, ठीक है, अंदर रहती है, तो वो जो होती है उसमें हमारा जो होते हैं उसमें खोदने वाले टांगे पाए जाते हैं। इसके बाद तैरने वाले। तो तैरने वाले में बात करें तो तैरने वाले में ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो टीबिया तथा टार्सस होता है मॉडिफाइड होकर बाल द्वारा संरचना में बदल जाते हैं, बाल द्वारा संरचना में बदल जाते हैं, देख लीजिए इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट आपका आता है शिकार पकड़ने वाले। तो शिकार पकड़ने वाले के बारे में बात करें तो इसमें जो टीबिया पर लंबे का टांगे लगे होते हैं, जिनके बीच शिकार की जो जो शिकार होता है, ठीक है, उसे उसको दबा कर पकड़ा जाता है। जो कीटे होते हैं अपने भोजन के निर्म अपने भोजन को ग्रहण करने के लिए, या फिर इस प्रकार से कहते हैं भोजन के लिए क्या करते हैं, जब किसी दूसरे कीट को पकड़ते हैं, ठीक है, जब पकड़ते हैं तो किस प्रकार से पकड़ते हैं, टीबिया पर जो लंबे कांटे होते हैं, ठीक है, उसी के माध्यम से पकड़ कर दीवार पर दबाते हैं, या फिर अपने जो टीबिया होते हैं उसी के माध्यम से दबाते हैं। ठीक है, जैसे हमारा एक हाथ है तो हाथ का जो फीमर है, ठीक है, यानी जो हड्डी है उसे हम जब मोड़ दे रहे हैं अपने हाथ को तो उसी प्रकार से ये मोड़ देते हैं। नेक्स्ट आपका आता है चढ़ने व चिपकने वाले। ठीक है, चढ़ने और चिपकने वाले। तो इसके बारे में बात करें तो ये जो हमारा होता है इसमें जो होता है इसमें प्री टीसिस से मॉडिफाइड होता है, यानी कि जो आपका टार्सस जो होता है इसमें मॉडिफाइड होता है, और जो इसमें एक जोड़ी क्या पाया जाता है, इसमें प्लोनेली पाया जाता है, जिस पर घने बाल लगे होते हैं या फिर उगे होते हैं, जिस पर एक प्रकार का चिपचिपा पदार्थ निकलता है जो चिकनी सतह पर चलने व फिसलने से बचता है। ठीक है, एग्जाम्पल दिया जाता है हाउस फ्लाई यानी कि घर की मक्खियाँ। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है कि आपका आता है फोरेक्जियल और पेलम कलेक्टिंग टाइप्स। ठीक है, तो इसमें बात करें तो कुछ इस प्रकार से शरीर की साफ लंबाई होती है। तो नेक्स्ट चलते हैं हमारा, तो नेक्स्ट हमारा अगला लेक्चर चलने वाला हमारा पंख के ऊपर। ठीक है, तो वीडियो यहाँ होता है, जिन बच्चों ने देखा है बहुत बहुत धन्यवाद। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।